आइंस्टीन की तरह आप जैसा ही जिज्ञासु बालक था, वो बैठा हुआ था। उसने हमारे स्कूल का था, उसने ये ठूंठ देखा, वो अब तो टूट गया है, वो सूखा हुआ, और एक फलदार वृक्ष देखा था। तो उसके मन में जिज्ञासा हो गई, क्योंकि फलदार वृक्ष तो झुक रहा था, और जो ठूंठ था वो छाती तान के और बिल्कुल आकाश की तरफ खड़ा था। बस इसी से जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो एक विद्वान पुत्र ने अपने विद्वान पिता से पूछा, पिताजी क्या बात है कि ये जो आम का वृक्ष है ये झुक क्यों रहा है, ये जमीन की तरफ झुकता जा रहा है, और ये वृक्ष है हरा है लेकिन ये बिल्कुल आकाश को छूते हुए छाती तान कर खड़ा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? वृक्ष तो दोनों एक जैसे ही हैं, वृक्ष हैं, इनमें क्या है? तो विद्वान पिता ने अपने जिज्ञासु पुत्र को जवाब देते हुए कहा, बेटा जिनके पास दुनिया को कुछ देने को है वो हमेशा उस देने के भार से हमेशा झुके रहते हैं, और जिनके पास दुनिया के लिए देने को कुछ नहीं है वो अहंकार में, घमंड में सीना तान करके और आकाश की तरफ देखते रहते हैं। तो कहने का मतलब, आपको अपना जीवन संस्कारवान बनाना चाहिए, आपको बड़ा होकर के एक सदनागरिक बन करके इस संसार को, इस दुनिया को, मैं भारत ही नहीं पूरे विश्व को कुछ देना है। आपका जन्म उद्देश्य हुआ है, निरुद्देश्य पैदा नहीं हुए हुआ, किसी उद्देश्य सद उद्देश्य के लिए आपको का जन्म हुआ है मानव योनि में, वैसे ही नहीं हुआ है, मानव वैसे ही नहीं बनते। इसलिए इस देह के उद्धार के लिए आपको ऐसे संस्कार सीखने हैं, ऐसा ज्ञान अर्जन करना है, संस्कार युक्त ज्ञान अर्जित करना है, ताकि आप समाज को, देश को और विश्व को कुछ दे सको। तो हमेशा हर पक्ष का सकारात्मक दृष्टिकोण देखना चाहिए।